हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस चेन। आज हम इंग्वाइनल कैनाल का रिवीजन करने वाले हैं। गाइस, ये इस लेक्चर के थ्रू भी मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। सर, कैसी हेल्प? देखिए, हमने इंग्वाइनल कैनाल को बहुत ही डिटेल में समझा है, हमने इसके लेक्चर्स भी अच्छे से समझे, बट हम उन लेक्चर्स को अगर हमारे पास कम टाइम है, हम ये वीडियो जैसे एग्ज़ाम के कुछ ही वीक्स पहले देख रहे हैं, या हमारे पास उस डिटेल लेक्चर को देखने के लिए टाइम नहीं है, तो आप इस इंग्वाइनल कैनाल को बहुत ही कम टाइम में भी समझ सकते हैं। अगर आपने वो डिटेल्ड लेक्चर देखा है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है डिटेल्ड लेक्चर का, तो आप इस रिव्यू लेक्चर को भी देख लीजिए, जिससे कि आपको इंग्वाइनल कैनाल का रिवीजन हो जाएगा। चलिए, इंग्वाइनल कैनाल इज अ ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज। हमने देखा था ये इंटरमस्कुलर पैसेज में फॉर्म होती है और ऑब्लिकली प्रेजेंट रहती है, और लोअर एब्डोमिनल वॉल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी लेंथ अराउंड 4 सेंटीमीटर है, और ये डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक एक्सटेंड है। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया जिसमें हमने मेंशन करा कि ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, जो कि प्यूबिक बोन प्रेजेंट है, वहाँ से लेके प्यूबिक ट्यूबरकुलर तक इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट है, और इस लिगामेंट के ऊपर कोई कैनाल प्रेजेंट है, उस कैनाल को हमने नेम दिया है इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज बताइए, क्या क्या मसल्स, जैसे हमने बात करी ना इंटरमस्कुलर पैसेज, तो कौन कौन सी मसल्स इसके आगे और पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम बाउंड्रीज में, मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेंशन करा, एंटीरियर पोस्टीरियर रूफ और फ्लोर में क्या क्या बाउंड्रीज प्रेजेंट है वो मेंशन करा, बट इसको समझने के पहले हम इसको डायग्राम में समझेंगे। देखिए, ये डायग्राम फॉर्म करा है जिसमें कि मैंने डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक इंग्वाइनल कैनाल फॉर्म करी है। सबसे एंटीरियर, ये देखिए, ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये मीडियल साइड है बॉडी का, ये लेटरल साइड है। सबसे एंटीरियर में हमें स्किन सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करने के बाद, देखिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक पूरे होल एक्सटेंड में प्रेजेंट है। अब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के पीछे कौन सी मसल प्रेजेंट है, अगर हम इस एक्सटर्नल ऑब्लिक को भी डाइसेक्ट करेंगे तो इसके पीछे हमें इंटरनल ऑब्लिक मसल देखने को मिलेगी। अब गाइस, आप नोटिस करिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से यहाँ तक पूरे एक्सटेंड में प्रेजेंट है, बट इंटरनल ऑब्लिक सिर्फ लेटरल वन थर्ड में प्रेजेंट है। लेटरल वन थर्ड हमने कैसे निकाला, देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो आप नोटिस करेंगे जो लेटरल वन थर्ड पार्ट है, सिर्फ उतने ही पार्ट में हमें इंटरनल ऑब्लिक देखने को मिल रही है। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल के साथ साथ हमें यहाँ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल भी होगी, जो कि रूफ फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। रूफ कैसे फॉर्म होगी, देखिए, यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, इन दोनों को ये देखिए, मेरे पेन से समझिए, यहाँ से ये एंटीरियरली और रूफ फॉर्म करते हुए पोस्टीरियरली जाएंगे, तो ये इस तरीके से ये कैनाल को यहाँ से देखो, एंटीरियरली ये उठे, ऊपर गए, रूफ बनाया और पोस्टीरियर वॉल पर फॉर्म कर देंगे। पोस्टीरियर में जाके हम इनको इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नहीं बोलेंगे, पोस्टीरियरली हम इनको कॉन्जॉइंट टेंडन बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गई है, इसलिए हम इनको कॉन्जॉइंट टेंडन बोलेंगे, और ये मतलब लाइक एक टेंडन फॉर्म कर ले रही है। ठीक है, ठीक है, एंड लास्ट कॉन्जॉइंट टेंडन के भी पीछे हमें पोस्टीरियर वॉल में फेशिया ट्रांसवर्सलीस दिखेगी। अब देखिए, फेशिया ट्रांसवर्सलीस यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यूस होती तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग फॉर्म नहीं होता, बट यहाँ पे एक इसमें ओपनिंग रहेगी जिसकी वजह से डीप इंग्वाइनल रिंग फॉर्म हुई, आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में कोई ओपनिंग रहेगी जिसकी वजह से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग फॉर्म हुई, तो यहाँ से यहाँ तक एक कैनाल का फॉर्मेशन हो गया। एक कैनाल फॉर्म इसलिए हुई क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एब्डोमन के थ्रू आउटसाइड द बॉडी पास होंगे, जैसे कि मेल में आउटसाइड द बॉडी क्या प्रेजेंट है, स्क्रोटम, तो एब्डोमन से स्क्रोटम में क्या एंटर होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके थ्रू इंटर होगा। ये अभी हम डिटेल में देखने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके थ्रू पास होंगे। सबसे पहले मैंने जितनी बातें यहाँ पे बताई ना, वो हम यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन करे ताकि यूनिवर्सिटी में आप इजीली इनको मेंशन कर पाए। ठीक है, एंटीरियर वॉल इन इट्स होल एक्सटेंट हमने क्या समझा, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरेसिस मसल है। इन इट्स लेटरल वन थर्ड हमने क्या देखी, इंटरनल ऑब्लिक मसल, तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन करी कि लेटरल वन थर्ड में ये सिर्फ इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल हमने काय से बनता हुआ देखा, फेशिया ट्रांसवर्सलीस, और मीडियल टू थर्ड में हमें कॉन्जॉइंट टेंडन देखने को मिली। सो इन इट्स होल एक्सटेंट फेशिया ट्रांसवर्सलीस एंड इन इट्स मीडियल टू थर्ड हमें कॉन्जॉइंट टेंडन देखने को मिली। ठीक है, हमने रूफ समझा कि इंटरनल ऑब्लिक ये सब ट्रांसवर्स एब्डोमिनस यहाँ से जॉइन होगी, रूफ बनाएगी, पोस्टीरियर साइड में जाके अटैच हो जाएगी। तो देखो, रूफ फॉर्म बाय आर्च फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, देखो इस तरीके से ये रूफ फॉर्म कर रही है। ये मैंने इंग्वाइनल लिगामेंट बनाया, ये कैनाल बनाई, थोड़ा सा जनरल ओरिएंटेशन मिल रहा है हमें यहाँ पे उस जगह का। एंड देखो ना, ये एंटीरियर रूफ और पोस्टीरियर ब्राउन कलर में हमें इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल पोस्टीरियर में जाके
कॉन्जॉइंट टेंडन बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अब फ्लोर के लिए हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेजाइटल सेक्शन लिया है। सेजाइटल सेक्शन तो गाइज आप जानते होंगे, इस सेक्शन को हम सेजाइटल सेक्शन बोलते हैं। हम देखो जहाँ हमने यहाँ से पीछे तक देखी ना मसल्स, हम इनको हम सेजाइटल में देखेंगे। देखो इंग्वाइनल लिगामेंट, उसके पीछे इंटरनल ऑब्लिक मसल, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, एंड सबसे पोस्टीरियर में क्या देखने को मिलती है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। देखो अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये कहाँ है, ये प्रेजेंट है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। अब इंग्वाइनल कैनाल का जो रूफ है वो देखो ना, हमने अभी बात करी कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल बनाती है, यहीं पे देखा। अब देखो इस इंटरनल इंग्वाइनल कैनाल का जो फ्लोर है वो कौन फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। रूफ कौन फॉर्म कर रहा है, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो कि मैंने यहाँ पे भी बनाई है। सिंपल है, यहाँ इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अब देखो इसके इंग्वाइनल कैनाल के रूफ में इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, और फ्लोर में हमें इंग्वाइनल लिगामेंट दिख रहा है, ठीक है। अब हम इंटरेस्टली अब हम इसमें इंटरेस्ट क्यों आना चाहिए हमारा इसमें इंग्वाइनल कैनाल में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस कैनाल के थ्रू कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। तो लो गाइस मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, इन मेल्स स्पर्मेटिक कॉर्ड, इन फीमेल्स राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ये अगर डैमेज हो गए तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस एब्डोमेन के थ्रू अगर ये बाहर आउटसाइड द बॉडी किसी स्ट्रक्चर में एंटर हो रहे हैं, जैसे मेल में स्क्रोटम में, तो इन्हें इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास करा जाता है ताकि ये डैमेज ना हो एंड इंग्वाइनल ना हो, दोनों ही ये पास होते हैं। थैंक यू गाइस। तो गाइस हमने इंग्वाइनल कैनाल में उसका इंट्रोडक्शन समझा, डायग्राम देखा, बाउंड्रीज़ के लिए हम ये डायग्राम फॉर्म करेंगे यूनिवर्सिटी में, हमने बाउंड्रीज़ की हमें बाउंड्रीज़ में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल में, रूफ में, फ्लोर में, ये सब हमने देखा है। लास्टली हमें इंग्वाइनल कैनाल में मेंशन करना होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होते हैं। नोट्स की लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।